हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक रस्तोगी और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एयरटेल का 40 Mbps का जो प्लान होता है उसको स्पीड टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कि कितनी स्पीड मुझे मिल रही और क्या ये फ़ोन पे 4K वीडियो को प्ले कर पाएगा। तो इसकी फुल डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि 4K वीडियो प्ले कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कितनी स्पीड से 4K वीडियो प्ले करता है या आगे लोड होता रहता है। तो पूरा आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और लाजवाब होने वाली है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ की अपडेट आपसे कभी भी मिस ना हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको ले चलते हैं YouTube पे और दिखाते हैं कि ये 4K वीडियो को स्ट्रीम कर पाएगा कि नहीं, उसके बाद में हम आपको स्पीड टेस्ट भी दिखाएंगे। तो चलते हैं YouTube पे और ऊपर सर्च करते हैं 4K वीडियोस। जैसे कि यहाँ पे ये 4K वीडियो है, इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। यहाँ से सेटिंग पे 1080p ही शो हो रही है, शायद ऐप में ये सपोर्ट नहीं करेगा 4K। चलिए मैं दूसरी वीडियो ओपन करके देखता हूँ। यहाँ पे 1080p के ऊपर नहीं जा रहा है, तो ऐप में तो नहीं शो हो रही, बट वीडियो बिल्कुल प्रॉपर्ली देखिए स्टार्ट हो जा रही है, कोई भी आपको लैग देखने को नहीं मिल रहा है वीडियो में। तो काफ़ी बेहतरीन एक तरीके से आपको प्लेबैक मिल रहा है 1080p में। और मैं इसमें आपको स्पीड टेस्ट भी दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये जो YouTube का ऐप है, अभी ये 4K नहीं सपोर्ट कर रहा है क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में ये सेटिंग्स वगैरह इसकी ऑफ कर दी गई थी ये सारी, क्योंकि तब तो 480p ही सपोर्ट कर रहा था। तो इसको मैं PC पे किसी और वीडियो में आपको चला के दिखाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली मैं PC पे अगर 4K वीडियो चलाऊंगा तो लैपटॉप पे तो वो उसकी स्क्रीन जो है वो 720p ही है, तो वो लैग करने लगेगा जब मैं 4K सेटिंग कर देता हूँ। तो आपको मैं स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कितनी स्पीड यहाँ पर मुझे मिल रही है। अभी मैं किस बैंड से कनेक्टेड हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं 5 GHz बैंड से कनेक्टेड हूँ और यहाँ पर गो करते हैं तो ये आपको ओखला पे मिल रही है 40 Mbps के प्लान में, लगभग 48-49 के समथिंग स्पीड इसमें मिलती रहती है। पिंग भी काफ़ी बेटर मिल रहा है, 16 ms, ये देख रहे हैं आप। तो अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड दोनों सेम है, बाकी यहाँ पे तो परफेक्ट वर्क कर रहा है, बट मुझे एक प्रॉब्लम एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के साथ में हो रही है अपलोड स्पीड में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के साथ में। अब मैं इसे आपको fast.com पे भी करके दिखाता हूँ कि क्या स्पीड मिल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी लगभग 48 Mbps के आसपास आपको स्पीड मिल रही है। डाउनलोड और अपलोड स्पीड यहाँ पे अगर देखेंगे तो अपलोड स्पीड भी आपकी काफ़ी बेटर चल रही है। स्पीड टेस्ट में तो बेटर चलती है बट मुझे अपलोड स्पीड फाइल पे नहीं मिल रही है, अभी तक मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई है। इस चीज़ को काफ़ी एयरटेल से बात चल रही है बट इसका कोई रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो आई बटन में रहेगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको लगभग 46 की स्पीड मिल रही है, तो काफ़ी बेटर स्पीड मिलती है। बाकी सारी चीज़ें तो बेटर हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के साथ में, बस वही प्रॉब्लम जो मुझे हो रही है उसका रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ की अपडेट आपसे कभी भी मिस ना हो। थैंक यू।